राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सबसे सही सबसे सटीक जानकारी दी जाती है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होता है। आपको मालूम होगा कि जानकारी कलेक्ट करने के बाद अगर कोई जानकारी आप तक पहुँचाई जाए तो उसमें असत्यता नहीं होती है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुने, इस वीडियो को शेयर करें। आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने जा रही है। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। अगर आप DSSB PRT परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन बुक सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आपका सिलेक्शन हो, तो आपको बता दें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चक्षु प्रकाशन ने आपके लिए सबसे ज़बरदस्त बुक तैयार किया है। इस बुक के माध्यम से आप अपनी तैयारी को इतना बेहतर कर पाएंगे कि आपका सिलेक्शन होना निश्चित हो जाएगा, बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चक्षु प्रकाशन के इस बुक के माध्यम से आपके नंबर बढ़ने तय हैं। आपको बता दें इस बुक में आपको सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धिमता, यौन तर्क शक्ति क्षमता, संख्यात्मक योग्यता, इंग्लिश लैंग्वेज, सामान्य हिंदी, शिक्षण विद्या इत्यादि देखने को मिलेगी। आपको बता दें जो भी प्रश्न मिलेंगे परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे, भर्ती परीक्षा के सिलेबस के अनुसार हैं। 4500+ बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। 25 साल पेपर देखने को मिलेगा जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। व्याख्यात्मक हल का मतलब है कि आपको समझने में आसानी होगी, आप बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे। आप अपने स्क्रीन पर जो बुक देख रहे हैं इसे आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन कैसे मंगवाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आपको सहायक अध्यापक बनना है तो ज़रूर मंगवाइएगा, अभी जाइए ऑनलाइन कर दें और सहायक अध्यापक बनने का सपना पूरा करें। मैं बात करूंगा बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला तूल पकड़ा हुआ है। आपको मालूम होगा बीएड का भविष्य खतरे में है। सरकार के द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है जिससे यह पता चल सके कि सरकार का मूड क्या है। एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। यह जानकारी अगर आपको पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है, इत्यादि भर्तियाँ हुई हैं, कई भर्तियों में बीएड को शामिल किया गया है, लेकिन ब्रिज कोर्स की बात कही गई थी। ब्रिज कोर्स जो अभ्यर्थी नहीं किए हैं उनका भविष्य खतरे में आ सकता है। इसलिए अगर आप ब्रिज कोर्स नहीं किए हैं तो सरकार से मांग करिए, सरकार ब्रिज कोर्स जल्द से जल्द करवा दे, नहीं तो इसके लिए भी आपको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। नौकरी खतरे में चाहिए या अपना भविष्य संवारना है तो आप लोग ब्रिज कोर्स जल्द से जल्द कराने की मांग करें। बीएड का पक्ष काफ़ी कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है, और सरकार का भी समर्थन इस संबंध में नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने पहले शामिल किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया, लेकिन सरकार उसके बाद स्टेटमेंट नहीं दे रही है, इस मुद्दे पर स्टेटमेंट नहीं दे रही। ऐसा प्रतीत होता है, कई प्रतियोगी छात्रों से बात किया गया तो सरकार 2024 लोकसभा चुनाव देख रही ऐसा लोग बोल रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव के कारण बीएड के पक्ष में या कोई स्टेटमेंट ना देना इस बात का संकेत है कि यह वोट की राजनीति हो रही है, ऐसा प्रतियोगी छात्रों का कहना है, कई अभ्यर्थियों का कहना है। तो अब बीएड पुनः प्राथमिक में शामिल हो पाएगा या नहीं, बस एक महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा, 1 से 1.5 महीने के अंदर कि सरकार का स्टेटमेंट क्या आता है, सरकार इस पर क्या बोलती है या देखने वाले। सरकार के स्टेटमेंट का इंतजार किया जा रहा है। अब मैं बात करूंगा DSSB PRT को लेकर। दोस्तों DSSB PRT पर काम जो है सितंबर माह से शुरू होगा और आपको न्यू नोटिस सितंबर के लास्ट या अक्टूबर माह में देखने को मिल सकता है। तो अगर आप DSSB PRT परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी को और मजबूत करिए, बेहतर ढंग से तैयारी करिए जिससे परीक्षा को क्वालिफाई करने में आसानी हो। बस न्यू नोटिस आपको, नई नोटिस आपको सितंबर के लास्ट अक्टूबर माह में देखने को मिल जाएगा। अब मैं बात करूंगा अब तक की सबसे बड़ी खबर के बारे में। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी से बताना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द निदेशालय कूच करिए और UP SSC जाइए, निदेशालय पर बात करिए, नहीं तो आपकी भर्ती फंसने वाली है। अगर आप अपनी भर्ती को समयबद्ध तरीके से विज्ञापित करवा के भर्ती को पूरा करवाना चाहते हैं तो आपको निदेशालय जाना पड़ेगा, अपनी मांग निदेशालय में रखनी पड़ेगी। और देखिएगा अगर आप निदेशालय चले गए, संख्या बल अधिक रहा तो गारंटेड है इस महीने के इन सितंबर के इन या फिर अक्टूबर माह में आपको नई भर्ती का नोटिस देखने को मिल जाएगा, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती आ जाएगी, नहीं तो यह भर्ती पेट 2023 से जा सकती है। बिग ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूँ। पेट के संबंध में बता दूँ, पेट के संबंध में जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, पेट में आवेदनों की संख्या लगातार बढ़ रही, अब तक 23 लाख के करीब आवेदन हो चुके हैं जो कि एक रिकॉर्ड टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अधिकतम पुराना रिकॉर्ड टूट पाएगा नहीं देखने वाली बात होगी, लेकिन उसी के आसपास जो है आवेदन हो सकता है।
अब मैं बात करूंगा एक और बड़ी अपडेट के बारे में बिहार शिक्षक भर्ती के संबंध में और सीटेट के संबंध में। देखिए सीटेट और बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड को शामिल किया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों यह फीस ना वापसी करने का तरीका है, ऐसा अभ्यर्थियों का आकलन है, ऐसा कई विशेषज्ञों का आकलन है, जो लोग स्थिति परिस्थिति को देखकर बता रहे हैं, नेता जो हैं शिक्षकों के या फिर जो अभ्यर्थियों के नेता हैं उनका भी यही स्टेटमेंट धीरे धीरे करके सूत्रों के माध्यम से प्राप्त हो रहा है कि फीस ना वापसी करना पड़े। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिएगा परीक्षा होने के बाद एक नई नोटिस आपको देखने को मिलेगी, नई नोटिस किसके संबंध में होगी यह आप खुद जान सकते हैं। बाकी कई वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किया गया है और आज की सुबह की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप सुबह की वीडियो नहीं देखे, चैनल पर अपलोड है, जाकर सुबह की वीडियो देखिए, उसमें और ऑथेंटिक तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास किया हूँ। नए समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी इत्यादि भरे 2024 लोकसभा चुनाव का जो पोल हुआ था उसके संबंध में, कौन जीत रहा, विपक्ष की क्या हाल है, सत्ता पक्ष का क्या हाल है, पूरी जानकारी के लिए सुबह की वीडियो जरूर देखिएगा। बाकी कोई अपडेट मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से आगे आपको सूचित किया जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।